कर्म सिद्धांती कहेगा अशुभ कर्म आ गया, वैद्य कहेगा गलत खा लिया, दूसरा वैद्य कहेगा बात पित कब भड़क गया, कुछ नहीं भड़का मेरे मित्र, मेरे से पूछोगे तो मैं क्या बोलूँगा, तुझे पता होना चाहिए तू अपने चित्त को नहीं संभाल पा गया इसलिए सब कुछ हो गया। शरीर का दुष्परिणामी क्यों हुआ, मन को नहीं ठीक रखा, वचन का दुष्प्रवृत्ति क्यों हुई, मन को ठीक नहीं रखा। इसलिए कर्म भी दिखता है नो कर्म भी दिखता है, प्रत्येक कर्म का बंध नो कर्म से होता है, प्रत्येक कर्म का बंध नो कर्म से होता है और प्रत्येक कर्म का उदय भी नो कर्म के साथ आता है। बैठो मैं समझाता हूं, प्रत्येक कर्म का बंध नो कर्म के साथ होता है, प्रत्येक कर्म का उदय भी नो कर्म के साथ होता है। इधर देखो मेरी तरफ, एक व्यक्ति को अचानक जुखाम हो गया, अचानक जुखाम हो गया, मित्र धुआं होगा, मित्र धूल होगी, मित्र धूप होगी, मिर्च होगी, खटाई होगी, अथवा मधुर में अम्ल, अम्ल में मधुर का सेवन हो गया, ये हेतु होंगे कि नहीं होंगे, अचानक क्यों जुखाम हो गया, ये हेतु आ गए। अब उनको मिटाने के लिए भी नौकर्म चाहिए, आश्रय भी नौकर्म से हो रहा है, बंध भी नौकर्म के साथ हो रहा है, आश्रय का निरोध भी नौकर्म के साथ हो रहा है। जो बहिरंग हेतु बनते हैं वे सभी नौकर्म कहलाते हैं। आप लोग समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, जो बहिरंग हेतु होते हैं सब नौकर्म होते हैं। अब जान करके टोंगिया जी, बार बार ऐसे मोहल्ले से निकलोगे जहां पर वासनाएं खुली दिखाई दे रही हैं, बार बार वही सुनोगे वही देखोगे, मित्र तुम कैसे अपने आप को संभाल पाओगे, नौकर्म से बचिए आप। जहां पर धूल उड़ रही है, धूम उठ रहा है, खलियान में भूसा उड़ रहा है, और तुम जान के वहीं वहीं जाओगे, बोले अब खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, भस लग रही है, अरे मिर्च कुट रही है, यहाँ पर मसाले जहां पर कुट रहे हैं उस मोहल्ले में तुम बैठने जाओगे बार बार तो भस तो आएगी ना। जब मिर्च मसाले की कुटने की मशीन के पास बैठोगे तो खांसना तो पड़ेगा, ऐसे मित्र तुम विषय कसा के निमित्तों के पास बैठोगे तो फिर तो तुमको रोना ही पड़ेगा। नौकर्म से बचिए, निमित्तों से बचिए। तो साश्रा उन मनोवचन काय के नियोग से जो कर्मों का आना है उसका नाम आश्रव, स्वाहा पुण्य से स्वाहा पापस्य। अब मनोवचन काय के शुभ से पुण्याश्रव होता है और मनोवचन काय के अशुभ से पापाश्रव होता है। सुनिए ध्यान से, यहां पर काय का प्रयोग पहले किया, फिर वचन का किया, फिर मन का किया, ये विपरीतता नहीं है, बड़ा सहज व्याख्यान है। कैसे, जितना गूढ़ तत्व का निर्णय किया गया है, बोले कैसे, अरे भाई कभी कभी तुम चाहते मन बस कर लो, अब जो चाहते मन बस कर लो उनके दादा के दादा मन बस नहीं कर पाएंगे। बोले क्यों नहीं कर पाएंगे, अरे मित्र मन बस कर लूं, दूध पीना छोड़ू नहीं, काजू खाना छोड़ू नहीं, ओहो कह रहे मन बस कर लूं। कैसे मन बस कर रहे आप, तन में पहले दूध डालना बंद तो करो, काजू किशमिश खाना तो बंद करो, हलवा खाना तो बंद करो, रबड़ी खाना तो बंद करो, अब मन बस करना है, कैसे मन बस करोगे आप। पानी डाल रहे हो बराबर वृक्ष में, कह रहे हैं ये सूख जाए, अरे कितनी धूप पड़े लेकिन पानी जड़ों में मिल रहा है, कभी नहीं सूखेगा। तो एक और तुम तपस्या कर रहे हो और दूसरे उन निमित्तों को आप डाल के रखे हो जो तुम्हारी इच्छाओं को बढ़ाने वाला है। इसलिए सबसे पहले क्या बोला, काय, आप अपने आप को पापों से शरीर को दूर कर लीजिए, शरीर को दूर कर लीजिए,
और जो पुरुष शरीर से पाप नहीं करेगा, मालूम आपको, वो जीव कृत नहीं कहलाएगा। पहले विषय पकड़ो, कृत नहीं कहलाएगा, कृत नहीं कहलाएगा, उसने किया नहीं है। उधर हम दूसरे पक्ष से देखें, शमरम समारम आरम, आगे व्याख्या आने वाली सब तीसरे पक्ष में देखेंगे, तो जब यूं कहेंगे, हे मित्र, आचार्य अमित के 300 महीने दातृत्व में लिखा, अतिचार अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार, पाप करने का विचार करना, अतिक्रम पाप की सामग्री जोड़ना, व्यतिक्रम एक दिन पाप हुआ ना, अतिचार और संलग्न हो जाना, अनाचार। माताओं ध्यान से सुनिए, कोई बच्चे ने रात्रि का भोजन त्याग किया और अचानक उसने कहा माँ भोजन चाहिए रात्रि में, तो ये मत कहना पागल होकर के अब तेरी इच्छा हो गई खा ले बेटा, नहीं, इच्छा हुई ना अतिक्रम हुआ है, अभी तीन भंग बचे हुए, तीन भंग बचे हुए, यदि अतिक्रम में ही समझा लिया बालक अनाचार से बच जाएगा, समझ में आ रहा ना। और दूसरा पक्ष, कहीं प्रेम भैया अचानक भाव बिगड़ गए, वे तुरंत रोने मत बैठ जाने किसी के सामने, बोले मेरे भाव खराब हो गए, हाय मेरा व्रत भंग हो गया, नहीं कभी नहीं करना ऐसा। भाव तुम्हारे खराब हुए ना, तो तुम्हारे भाव खराब हुए हैं तो आपके भावों को ठीक करने के लिए वो बंबई वाला बालक थोड़ी कुछ करने आएगा, तुम कह और दो, वो आपके प्रति श्रद्धावान था, तुम्हें नहीं कहना था उसको मेरे भाव खराब हो गए। अपने भावों को अंदर तुम संभाल लोगे, लेकिन दूसरे ने सुन लिया उसे श्रद्धा टूट जाएगी, अरे प्रेमी भैया ऐसे भाव कर सकते हैं, भले मैं करे बैठे हूं ऐसे भाव, लेकिन तब भी मुझे किसी को बताना नहीं। भाव हमारे खराब हुए ना, तो खराब किए किसने, शुम ने, इन्हें ठीक कौन करेगा, शुम कर लेंगे। परिणाम खराब यदि हो भी गए हों उनको वहीं रोक लीजिए, अतिक्रम हुआ है, अब तुमको नहीं नहीं मैं तो फांसी लगा दो, मेरे भाव खराब हो गए, अरे मेरे मित्र आत्महत्या करना कोई पाप का प्रायश्चित नहीं है, आत्महत्या कर लेना पाप का प्रायश्चित नहीं है, जीते रहोगे तो प्रायश्चित हो जाएगा, गुरु के पास जाना, वे जो प्रायश्चित देंगे स्वीकार कर लेना, लेकिन अचानक तुमसे अपराध हो गया तुम मरने को तैयार हो गए, मृत्यु दंड कोई प्रायश्चित नहीं है, आत्मबध है, आत्महत्या है, घोर पाप है। ब्राह्मण बैठो भैया, तुम मतलब समझना कि कोई अतिक्रम हुआ है, व्यतिक्रम भी हो जाए तब भी समझ जाइए, अतिचार हुआ है समझ जाइए, कदाचित अनाचार भी हो जाए तब भी मित्र आत्महत्या करने मत दौड़ना, अपने गुरु के पास जाकर के, जो गुरु प्राशित शास्त्र का ज्ञाता हो, शुम प्राशित जिसने लिए हो, प्राशित अनेक बार दिए हो, ऐसे गुरु के पास जाकर के अपने दोषों का प्राशित लेकर के पुनः अपने व्रत में स्थापित हो जाना, लेकिन आत्महत्या फिर भी नहीं करना। यह रहस्य, यहां जो कुछ स्थान है अविनाश भैया शुम का ही स्थान है, दूसरा कुछ कोई कुछ नहीं कर रहा है, स्वा पुण्य स्वा पापस्य, तू शरीर से किसी की हिंसा कर देना, अभ्रम का सेवन कर लेना, चोरी कर लेना, झूठ बोल देना, हे मित्र ये सारी क्रियाएं काय की अशुभ प्रवृत्ति है, काय की अशुभ प्रवृत्ति है, गाली देना, अशुभ भाषण करना, धर्म के विपरीत कथन करना, ये वचन की अशुभ प्रवृत्ति है, किसी की हार जीत का चिंतन करना, खोटा विचार करना,
अशुभ चिंतन करना, पांच पापों के भाव करना, ये मन की अशुभ प्रवृत्ति है। ये मन संबंधी अशुभ आश्रय, वचन संबंधी अशुभ आश्रय, काय संबंधी अशुभ आश्रय, इससे जीव दुर्गति का पात्र होगा। उन्हीं से विपरीत शरीर से अरंत की पूजा करना, निर्गंत को दान देना, जिनवाणी का स्वाध्याय करना, यानी वचनों से प्रशस्त भाषण करना, स्तुतियां पढ़ना, पाठ पढ़ना, श्लोक पढ़ना, मंत्रोच्चारण करना, ये वचन का प्रशस्त क्रिया है। मन में हर प्राणी प्रति मैत्री भाव का विचार करना, जगत में प्राणी मात की रक्षा हो, सत्वेश मैत्रीम के भाव रखना, ये सब मन योग की शुभ प्रवृत्ति है। इससे शुभ आश्रय होगा। अब शुभ आश्रय में किसका कौन हेतु बना? कोई पर नहीं। अशुभ आश्रय कौन हेतु बना? कोई पर नहीं। आपका आश्रय तत्व कह रहा है कि आप पूर्ण स्वाधीन हैं, बल्कि आश्रय तत्व ये भी कहने को तैयार है कि आप चाहो तो मैं आपके द्वार ही ना आऊं। विश्वास मानिए, आश्रय तत्व कह रहा है आप चाहो हे जीव, मत बुलाइए प्रभु को, मत करो भगवान को परेशान, मत करो गुरु को परेशान, आप चाहो तो मैं तुम्हारे द्वार ही नहीं आऊंगा। बोले क्यों? आप मन वचन काय का निरोध कर लीजिए, आप मन वचन काय का निरोध कर लीजिए, आश्रय का निरोध स्वयं हो जाएगा। शिख सायक सायु श्याम प्रक एरिया पथियो, वो आश्रय दो प्रकार का है, सांप्रायिक आश्रय, इरियापत आश्रय। शिख साय कसाय, कसाय से जीव कि जो आश्रम होता है वो सांप्रायिक आश्रम होता है। प्रथम गुणस्थान से लेकर के दसवीं गुणस्थान तक जो आश्रम है वो सांप्रायिक आश्रम है। वो कसाय रहित जीव का जो आश्रम होता है वो इरियापत आश्रम होता है। दसवीं गुणस्थान के आगे ग्यारहवें गुणस्थान में, बारहवें गुणस्थान में जो आश्रम तेरहवें आदि में होगा वो आश्रम कैसा है? वो कसाय रहित है, इरियापत आश्रम है। इसलिए इस सारा का सारा पुरुषार्थ स्वार्थी बन के होगा। जो मैं कथन कर रहा हूं आप सुनिए मित्र, जो सारा का सारा पुरुषार्थ स्वार्थी बन के होगा। आप लोग सगे चार पांच भाई हो सुधीर, लेकिन तब भी जब तुम्हारे कमाने का भाव होता है तुम पांचों चारों भाई अपना स्वतंत्र कमाने लगते हो। वो कमाने का जो सोच है वो स्वतंत्र हो जाता है, बराबर। और तुम्हारे सुख भोगने का जो सोच है वो भी स्वतंत्र हो गया है। अब रिश्ते के भाई बच्चे हो लेकिन सारी व्यवस्था तुम्हारी स्वतंत्र है। मां भी तुम्हारे घर में है लेकिन मां की उंगली पर भी एक समय था बेटे कहीं से आए मां के पास पहुंचते थे, वो भी समय समाप्त हो गया। आप कहीं घूम घाम के आते हो मां के पास नहीं पहुंचते, अपने कमरे में पहुंचते हो। इतना गहरा विषय तत्व का। हाँ समझ आ गई, तो मां से भी स्वतंत्र हो गए, पिता से स्वतंत्र, भाइयों से स्वतंत्र हो गए हो। मोक्ष मार्ग ऐसा ही है। उन्हें कैसा? एक समय होता है साधक गुरु को चुनता है, एक समय होता है साधक प्रभु से मिलता है, एक समय होता है शास्त्रों से मिलते हैं, पर एक ऐसा समय आता है जहां गुरु का मिलन समाप्त, प्रभु का मिलन समाप्त, शास्त्र का मिलन समाप्त, मात स्वतंत्र एकांत में बैठे हुआ साधक अपने में देख रहा है। तुम्हारी कमाई स्वतंत्र हो चुकी, भोग स्वतंत्र हो चुका है। ऐसे ही जैसे कमाने की स्वतंत्रता का भान है, ऐसे आश्रय तत्व में, आश्रय तत्व में तुम पूर्ण स्वाधीन हो। कितना खर्च करूं कितना नहीं करूं ये तुम्हारा निजी निर्णय चलता है। आइए मित्र, 24 घंटे बंबई दोषी जी, 24 घंटे मुमुक्षु, 24 घंटे ऐसे मालूम बैठो भैया
मालूम, यदि आपके घर में मुड़दाज का परिधान भी हो जाए तब भी सम्यक्त भाई जिसका चौका है उससे मिलना, वो घी की कटोरी रखे हुए है उससे मालूम महाराज को दूंगा, लेकिन तब भी इतने जुगत से घी लगा रहा है कि मुझे आगे भी दिन काम में लाना है। समझते मतलब मुड़ीराज को भगवान मान रहा है तब भी कितना दिमाग रखे हुए, मूल पास से उतनी निकालेगा, आगे भी ध्यान रखना है। बस बस, जैसे तुम घृत में घृत का प्रयोग कर रहे थे ऐसे मित्र दुनिया में अपने वचनों का प्रयोग पर ध्यान रखो, कितना मुझे लगाना है वचन का प्रयोग। मालूम सम्यक ये लोग देश में पागल क्यों हो जाते, शक्ति का पता नहीं होता, वीरंतरा कर्म का छोषण मालूम नहीं रहता उनको, और बाबूजी इतना सोच रहे, बोले क्या करो, ध्यान कर रहा हूं ध्यान, बोले इतना ज्यादा ध्यान में तो उतर गए कि वीरेंद्र छोसम था ही नहीं, मस्तिष्क की नसें फट गई, पागल हो गए। अरे ध्यान भी कैसे करो, जैसे माँ बच्चे को घी खिलाती है, खिलाएगी पर वो जानती कितना खिलाऊं, वैद्य क्यों चुना जाता है, औषधि मरीज को खाना, बोले कितने देना है। ओह ऐसे ही जो साधना है ना वो ऐसे करो जिससे कि तुम साधना आगे बढ़ा सको, वो इतनी साधना कर बैठे कि तुम्हारी शक्ति थी नहीं, इतना गहरा सोच लिए कान की नस फट गई।